डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो वीरेंद्र कुमार। जिस तरह आज देश में कोरोना को लेकर कहर बरप रहा है, आम जनता अभी भी बाज नहीं आ रही। अभी भी कई आम जनता सड़कों पर घूम रही। आज हमारे राज्य के पुलिस महानिदेशक DGP गुप्तेश्वर पांडे ने भी आम जनता से अपील करते हुए सभी को घर में रहने की अपील की। आदमी को ये समझने की जरूरत है कि जो भी पुलिस प्रशासन कर रहा है वो उनके हित के लिए कर रहा है। कोई भी पुलिस प्रशासन किसी का दोस्त है, उसका दुश्मन नहीं। नीतीश कुमार भी दिन रात चिंता में लगे हुए कि हमारे बिहार की जनता की रक्षा कैसे कर पाए। आपने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी चेहरा TV पे देखा होगा, उन्होंने मुस्कुराना भूल गया। आज उनको पूरे देश की जनता की चिंता। हमारे चैनल से भी बार बार अपील की जाती है कि जिस तरह का कोरोना का प्रकोप बरकरार है देश में, राज्य में, आम जनता को भी इससे बचने की बहुत ही सख्त जरूरत है। एकदम जरूरी पड़े तभी आप रोड पर जाएं, बाजार में जाएं, अन्यथा ना जाएं, अपने घर में रहें, अपने परिवार के साथ, अपने माता पिता के साथ, अपने परिवार के साथ सुरक्षित रहें। आज तमाम नेताओं ने, विकास सिंह जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय कार्य समिति के सदस्य हैं, उन्होंने भी आम जनता से अपील की, वो भी हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे दर्शकों। साथ ही साथ कांग्रेस के नेता विजय सिंह ने भी जनता से अपील की, वो भी मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। और हमारे युवा स्मार्ट सांसद चिराग पासवान ने भी आम जनता से, जम्मू की जनता से बहुत सारी लगातार वो अपडेट दे रहे हैं। बहुत चिंतित है, बहुत देख रहे हैं वो कि कैसे हमारी जनता सुरक्षित रहे। बार बार मंगल पांडे को उन्होंने चिट्ठी लिखकर अवगत कराया है कि हमारी जम्मू जिला की जनता को बहुत सारी सुविधाएं, मास्क वगैरह, सैनिटाइजर वगैरह उपलब्ध कराने का काम करें। दैनिक लाभ न्यूज 24 के लिए जम्मू झाझा से वीरेंद्र कुमार की खास रिपोर्ट। नमस्ते, मैं विकास प्रसाद सिंह। दोस्तों, आज पूरे विश्व में कोरोना महामारी से जो बड़े बड़े विश्व महाशक्ति के रूप में जाने जाते थे, अमेरिका, इटली, वहाँ पे परिस्थितियाँ दिन ब दिन दयनीय होती चली जा रही है। लेकिन हिंदुस्तान में इतनी घनी आबादी के बावजूद, इतनी बड़ी आबादी के बावजूद, आप जैसे सजग नागरिकों और भाइयों बहनों के बदौलत हम सब पूरी तरह से जो संयम को लेकर के जो संकल्प लिया है और उसे इसी तरह से लगातार हम लोग 31 मार्च तक बनाए रखें। और हम सबको विश्वास है, भरोसा है आप सबों पर, विशेषकर मुझे जम्मू वासियों का एक अपील करना चाहता हूं कि जो भी मित्र, भाई बहन जो बाहर से वापस लौट रहे हैं, मैं जानता हूं कि वो काफी सजग हैं, काफी जागरूक हैं, काफी सावधानी से वापस लौट रहे होंगे। फिर भी ना जाने किस परिस्थिति में कहां कौन संक्रमण से लोगों के बीच अगर हो सकता है कि लोग जुड़े होंगे, उसके लेकर के जब आप वापस लौट रहे हैं तो जमुई में भाई बहनों से मेरा आग्रह है कि जिस गांव में आप पहुंच रहे हैं, अपने गांव में पहुंच रहे हैं, मुझे पूरा भरोसा है कि आप सबसे पहले डॉक्टर को निश्चित रूप से आप इसकी सूचना दिए होंगे, आप दिए होंगे, आपके परिवार के लोग दिए होंगे, आपके समाज के लोग दिए होंगे। आप सबसे मेरी विनती है कि जो भी सब बाहर से आ रहे हैं आप अपने सेंट्रलाइज एक अपने गांव में जो सार्वजनिक स्थान है, विद्यालय है, सामुदायिक भवन है, ऐसे जगह जाकर के आप अपने आप को संयम से रखें, संकल्प बरतें, ताकि आपके अपने परिवार, आपके अपने बच्चे, आपके अपने बुजुर्ग, आपके अपने समाज के लोग कम से कम वैसे, भगवान न करे कि आपके साथ ऐसा कुछ हो, अगर वैसे संक्रमण से अगर आप जूझ रहे हैं तो कम से कम वो परिवार बच सके, आपके परिवार बच सके। इसके लेकर के मैं आप सबों से आग्रह करना चाहता हूं कि आगामी अभी से लेकर के 31 मार्च तक हम सब घरों में रहें, पूरी संयमित रहें, पूरी संकल्पित रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।